Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. देखिए, अगर इस पूरे अमेंडमेंट बिल का अध्ययन किया जाए, जो मैंने काफी डिटेल में किया, काफी माइन्यूटली किया, तो और इस पूरे स्कीम ऑफ द एक्ट को समझा जाए, वफ एक्ट 1995 को, तो अगर वफ एक्ट 1995 को समझें कि भाई ये कैसे आर्बिट्रेरी है जो हम लोग बात कह रहे हैं, कैसे ये ड्रैकोनियन है, तो उसमें दो ऐसे प्रोविजन हैं संजय जी जो बड़े ड्रैकोनियन हैं, और वो दो चार ऐसे प्रोविजन हैं जहां से ये पूरा संपत्ति का इनफ्लो और इंक्लूजन हो रहा है। दो सूत्र बनाए गए। पहला सोर्स है सेक्शन 4-5 और का सर्वे, और दूसरा स्रोत है सेक्शन 40। अब इसको मैं जरा डिकोड कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सेक्शन 4 और भी तो है, वो सर्वे होता है हर 10 साल में, और वो सर्वे जो है वो सर्वे कमिश्नर सेक्शन 104 आ रहा हूँ। हाँ, और उसमें 7-8A ये वाला जो है वो भी तो है इसमें, 7-8-8A। हाँ, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपके सामने बात रख रहा था कि वफ जो घोषित होता है या वफ के रूप में अगर कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है, तो वो दो तरह से इस एक्ट में 1995 में की जाती है। पहला तरीका है सर्वे करने का, मैं बाकी सेक्शंस पे आऊंगा जो आप बात कह रहे हैं, मैं अभी ये बात रख रहा हूं कि किस तरीके से वफ एक्ट के तहत संपत्ति वफ हो रही है। तो पहला प्रोविजन है सेक्शन 4-5 और 6 के सर्वे का, जो सर्वे कमिश्नर करते हैं, और दूसरा प्रोविजन है जब ये और ये सर्वे हर 10 साल में एक बार होता है। अब इन 10 सालों में अगर प्रॉपर्टी कोई रहना छूट गया, रखना छूट गया, तो सेक्शन 40 का उनको एडिशनल पावर दे रखा था कि सेक्शन 40 में भी आप किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति कभी भी घोषित कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकली बात की जाए इसको और बहुत ही सरलता से, तो वफ एक्ट 1995 जो अभी अमेंडमेंट से पहले है, उसमें दो सोर्सेज हैं जिससे किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति किया जाता है। एक सर्वे के माध्यम से जो हर 10 साल में होता है, और दूसरा सेक्शन 40 में। अब ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट ने क्या चेक लाया है, जो आज अमेंडमेंट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इस अमेंडमेंट ने सबसे पहले सेक्शन 40 को पूर्णतः रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहला सोर्स जो एक वन ऑफ द मेजर सोर्सेस था किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित करने का, और उसके बाद एग्रीव्ड आदमी ट्रिब्यूनल भागे, हाई कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट भागे, वो जो जड़ थी सेक्शन 40 की, उस जड़ को अमेंडमेंट बिल ने प्रपोज किया है कि इसको हम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन 4-5 और 6 का जो सर्वे होता है, जो सर्वे मैं कह रहा हूं कि सेक्शन 4 पहला सोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे ड्रैकोनियन प्रोविजन कहा जाए, जिसका दुरुपयोग करके हजारों लाखों संपत्तियां वफ संपत्ति घोषित कर दी गई, वो थे सेक्शन 40। सेक्शन 40 को इस अमेंडमेंट बिल ने पूर्णतः रिपील कर दिया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है सर, सेक्शन 4-5 और 6 का जो सर्वे होता था वो सर्वे कमिश्नर करते थे, सर्वे कमिश्नर की जगह अब कलेक्टर को ये सर्वे करने का आदेश दिया गया है। तो अब जो उनके अपने प्राइवेट सर्वे कमिश्नर होते थे जो सर्वे करते थे, वो बात खत्म कर दी गई। और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दो चीजें और हैं। वफ कैसे होता था, अब ये सबसे मूलभूत प्रश्न है जिसपे मैं आ जाता हूं। वफ होता कैसे, वफ है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाला अपनी स्वयं की संपत्ति जो उसने नीट और क्लीन ढंग से अपने जीवन काल में अर्जित की है, अगर वो उसको इस्लामिक कार्यों के लिए डोनेट करना चाहता है, तो उस डोनेशन को वफ कहते हैं। और अगर एक बार वो अपनी संपत्ति को मूवेबल या इमूवेबल वफ घोषित कर देता है, जिसका वफ डीड बन जाता है, तो उसके बाद वो इररिवर्सिबल होता है, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, और वो फिर समय के अंत तक इस्लामिक कार्यों के लिए और जो जितने भी मतलब एक चैरिटेबल पर्पस हो सकता है इस्लाम में, उसके लिए उपयोग की जाती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब जो वफ एक्ट 1995 में डेफिनेशन दी हुई थी सेक्शन 3R में, 3 सब क्लॉज R में, उस डेफिनेशन में ये बात नहीं थी कि आप अपनी स्वयं की संपत्ति को ही वफ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन डिक्लेयर योर ओन प्रॉपर्टी एज वफ प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन सेक्शन 3R में नहीं थी। तो ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें ये डेफिनेशन लाई गई है, और उसमें इंटरेस्टिंग बात एक और ऐड की गई है
कि पिछले 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप पिछले, ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएटली कन्वर्ट हुए और कन्वर्ट होके कोई प्रॉपर्टी वफ कर दी, उसमें क्राइटेरिया है कि पिछले 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी खुद की सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति हो, आपकी ओनरशिप में संपत्ति हो, उसी को वफ कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसी डेफिनेशन को मैन्युपुलेट किया था। जो मुल्ला का मोहम्मदन लॉ है और जो बेली का इस्लामिक लॉ है, इन दोनों अथॉरिटेटिव बुक्स में जो वफ की डेफिनेशन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी खुद की ओनरशिप वाली संपत्ति ही आप वफ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन इस बिल में आया है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने जैसे देखा कि ताजमहल को वफ कर दिया जो आपकी ओनरशिप ही नहीं है, फिर उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वफ कर दिया। तो आपको वफ करने से पहले ओनरशिप अपनी बतानी पड़ेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अगर इसके और भी प्रोविजंस को मैं देखूं आपके सामने, अगर मैं उसको रखूं तो इसी में एक मैंने आपको बात और भी है, वक्फ बाई यूजर भी तो एक बहुत बड़ा जी सर इसमें yes. एक गोलमाल था। यस yes. हाँ, बहुत आपने बहुत रिलेवेंट बात बोली, मैं वही बोलने जा रहा था। ओनरशिप देखते ही नहीं थे, अभी 3 दिन पहले ये एमपी हाई कोर्ट का केस हुआ है जिसमें बुरहानपुर का किला और कोई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो सब जो है वो वक्फ बोर्ड ने, मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी हाँ जी आ रही, और एमपी हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। नहीं सर आपने बिल्कुल सही बात कही, देखिए मैं वही बता रहा था, अगर इसको बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से समझ लें तो वक्फ जो है वो 2 तरीके से डेवलप किया गया पहले के एक्ट में। पहला है कि वक्फ बाय डेडिकेशन होगा, और डेडिकेशन के लिए एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होगी, आपकी ओनरशिप में होगी, जिसको आप वक्फ कर सकते हैं। दूसरा था वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट राम मंदिर के केस में भी उपयोग किया गया और ज्ञान व्यापी के केस में भी उपयोग किया गया। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट अभी बेंगलोर के ईदगाह मैदान में भी उपयोग किया गया। अब अगर आपके पास डीड ऑफ डेडिकेशन नहीं, जैसे कि मैंने बताया पहला तरीका क्या है वक्फ करने का, कि आपकी खुद की ओन ओनरशिप की संपत्ति है, उसको आपने डिवोट कर दिया, डोनेट कर दिया अल्लाह को इस्लामिक कार्यों के लिए, तो वो आप वो एक वैलिड वफ हो गई। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वफ डीड तैयार होती थी, वफ डीड बनती थी, तो वो होता था वफ बाय डीड, वफ बाय डेडिकेशन, उसके लिए एक डीड बनती थी। अब बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे वफ डीड नहीं है। अभी ताजमहल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि इसकी शाहजहां ने वफ डीड कहां की, वफ डीड दिखाइए। राम मंदिर के केस में भी ये सवाल उठा कि बाबर ने अगर यहाँ पे मस्जिद बनाई है तो मस्जिद के लिए जरूरी है वैलिड वफ होना, और वैलिड वफ के लिए जरूरी है वफ डीड होना, तो वो कहाँ पे है। और अभी बेंगलोर के ईदगाह मैदान में भी यही प्रश्न उठा। तो पहले के एक्ट ने जो अभी जो आज अमेंडमेंट आया है, उससे पहले के जो वफ एक्ट 1995 है उसमें प्रावधान क्या था, वफ बाय यूजर सेक्शन 3R में, कि आप किसी भी संपत्ति का जिसका आपके पास कोई ब्योरा नहीं है, कोई खाता खतौनी नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, यू डिक्लेयर इट एज वफ बाय यूजर, कि भाई पिछले हम, अब उसमें भी सबसे बड़ी मजेदार बात है कि आप उसको कितने दिनों से यूज कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, ये कोई टाइम लिमिट भी मेंशन नहीं है। तो वफ बाय यूजर का कंसेप्ट दे रखा था, और जिसको हमारी कोर्ट्स ने एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से उसको एक वैलिड कंसेप्ट डिक्लेयर कर रखा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अमेंडमेंट बिल ने 2024 के वफ बाय यूजर के कंसेप्ट को टोटली डिलीट कर दिया। तो अब अगर अपनी बातों को एक बार मैं दोबारा इवेल्युएट करके आपके सामने रखूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है जहां से वफ होता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि आपकी खुद की ओनरशिप की संपत्ति होनी चाहिए, वही वफ हो सकती है, और 5 साल से आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरा, जो सर्वे का जो पूरा, जहां से पूरा खेल होता था सर्वे कमिश्नर के माध्यम से, वहां पे कलेक्टर को बिठा दिया गया है, वहां पे चेक लगाया गया है। अभी मैं सेक्शन 4, 5 और 6 पे आ रहा हूं। सेक्शन 40 को टोटली रिपील कर दिया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है आनी चाहिए, जो नहीं आई है, जो मेरा सजेशन रहेगा आपके माध्यम से भी और सरकार को भी, सेक्शन 6 में जो शब्द यूज था पहले था पर्सन इंटरेस्टेड 2013 के अमेंडमेंट से पहले, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आए थे, 1979 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच जजमेंट है, और 2010 सुप्रीम कोर्ट बोर्ड ऑफ मुस्लिम वफ वर्सेज फातिमा बेगम, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि भाई पर्सन इंटरेस्टेड शब्द यूज्ड है,
इसलिए यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है इस सर्वे में बाउंड नहीं है, वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। इस डेफिनेशन को, इस शब्दावली को बदलने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसको अमेंड किया और इसमें कर दिया पर्सन एग्रीड। और अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है राशिद वली बेग में, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बाला सुब्रमण्यम का, उन्होंने कहा कि इसमें हर एक आदमी इंक्लूडेड है और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो अब पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज हो गया है, तो यू हैव टू गो टू द वफ ट्रिब्यूनल। मुझे लगता है सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल में काफी अच्छी अच्छी चीजें तो की हैं जो काफी वर्थ अप्रिशिएटिंग है, पर जो पर्सन एग्रीव्ड वर्ड था उसको उन्होंने छोड़ दिया है और पर्सन एग्रीव्ड वर्ड को मुझे ऐसा लगता है वापस चेंज करके पर्सन इंटरेस्टेड करना चाहिए और इसमें एक क्लॉज सीरियसली आना चाहिए, क्लियरली आना चाहिए कि वफ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स, वफ एक्ट विल नॉट अप्लाई टू नॉन मुस्लिम्स या उनकी संपत्तियों पे। ये बात क्लियरली इन सो मेनी वर्ड्स आनी चाहिए जो रह गई हैं, पर मुझे लगता है अभी ये बिल है, स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और ये हम लोगों का एक सजेशन भी रहेगा आपके माध्यम से भी, और तो मुझे लगता है वो चीज इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए।